आप सबका 10th का एग्जाम हो गया होगा और आई होप अच्छा ही गया होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गया तभी क्या कर सकते हैं, आगे पढ़ना ही विकल्प है। लेकिन 10th के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स जनरली कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो लाखों बच्चों से पीछे छूट जाते हैं। मैं इस वीडियो में रैंडमली कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बातचीत करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप ये मिस्टेक्स ना करें जिससे कि आपका आगे आने वाला जो पढ़ाई वो डिफिकल्ट ना हो जाए, आगे आने वाला लाइफ डिफिकल्ट ना हो जाए। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि वो जैसे ही 10th का एग्जाम होता है वो आराम फरमाने लगते हैं। अब फरमाए भी क्यों ना, 10th एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए हर बच्चा बहुत फाइट करता है, दिन रात मेहनत करता है ना, दिन रातें जग जग के पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो चलो थोड़ा सा आराम करने की बारी आ गई है, वो आराम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आराम का दौर जो है बहुत लंबा चल जाता है और स्टूडेंट की जो पढ़ाई की जो लत है वो छूट जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स में देखा गया है कि 10th के एग्जाम के बाद, 10th का जब एग्जाम होता है और रिजल्ट निकलने के बीच का जो वक्त होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं आप यहां पर रुक के आपसे एक बातचीत करना चाहूंगा, यार अभी ना जंग खत्म नहीं हुई है, अभी असली जंग ना शुरू हुई है। अभी तो आपको जेईई नीट एनडीए जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइट करना है, उन लाखों बच्चों से फाइट करना है जो पता नहीं कब से लगे हुए उस एग्जाम की तैयारी में, और अगर अभी से आराम फरमाना शुरू कर देंगे तो आप ऐसे ही लाखों बच्चों से पीछे छूट गया, कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इस चक्कर में होता क्या है कि आप बहुत लेट से शुरू करते हैं 11th, है ना, 11th लेट से शुरू करते हैं तो बहुत लेट से सिलेबस कंप्लीट करते हैं, चीजें दिमाग में नहीं रहती, 12th खराब हो जाता है आपका। तो यहाँ पे कुछ चलिए गाइडेंस मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला आपको काम जो नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे 10th का एग्जाम खत्म हुआ, हाँ 2-4-5-10 दिन का रेस्ट ले लीजिए, है ना, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा रिजुवनेट कीजिए, है ना, फ्रेश होइए और तुरंत लग जाइए 11th की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। भैया कैसे करें ये जरा बता दीजिए। देखिए कभी भी ना 10th के एग्जाम के बाद एक जो आप गलती करते हैं वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं आप कि रिजल्ट आ जाएगा तो देखेंगे, अच्छे मार्क्स आए तो पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। मुझे एक बात बताइए, और जनरली अभिभावक भी ये गलती करते हैं, मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपका 95% आ गया तब भी आपको पढ़ना है आगे 11th 12th, अगर आपका 55% आ गया तभी आपको पढ़ना है 11th 12th, तो वेट किस चीज का कर रहे हैं आप? रिजल्ट चाहे जो भी हो, आगे पढ़ना, आगे फाइट करना ही एकमात्र विकल्प है, तो जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। और उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि भैया बुक्स कौन सी फॉलो करें, क्योंकि हमारे सीनियर तो कहते हैं कि ये ले लो, फिजिक्स में एरोडाव ले लो, मैथ्स में ये ले लो, फिर ये डीसी पांडे ले लो, ये तरह तरह के बुक्स बताते हैं। अगर कोई जेईई का बच्चा है, कोई नीट का बच्चा है, तो अलग अलग सीनियर्स अलग अलग तरह का बुक रिकमेंडेशन बताते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी की पहले मत सुनिए, सबसे पहले आपको बुक्स में एनसीईआरटी लेना चाहिए और एनसीईआरटी खत्म करना चाहिए, कम से कम 2-3 दफा तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, स्पेशली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़िए। स्टूडेंट हर 10 तरह की बुक खरीद लेते हैं पेरेंट्स को बोल के, भैया से गाइडेंस लेके, किसी टीचर से गाइडेंस लेके, लेकिन मेन बुक जो है, जो सीबीएसई रिकमेंड करता है, जो बोर्ड रिकमेंड करता है एनसीईआरटी, उसको सॉल्व ही नहीं करते, वो उनसे सॉल्व ही नहीं होता, है ना, और बच्चे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए, सबसे पहली गलती मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, दूसरा रिजल्ट का वेट मत कीजिए, तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए, और भाई एनसीईआरटी बुक सबसे पहले बनाना शुरू कीजिए और कोई बुक फॉलो मत कीजिए। और एक लास्ट जो मेरा सजेशन है आपसे कि जल्दी शुरू कर दीजिए, आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो कोटा में या फिर बड़े बड़े शहरों में जाकर 6ठी क्लास से जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 6ठी क्लास से नीट की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर अभी आलस दिखाएंगे, कहीं पे मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर आप कामयाब होने की प्लानिंग नहीं करते ना तो नाकामयाब तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपने नहीं पढ़ने का डिसीजन लेके, भाई मतलब आप लेट से शुरू कर रहे हैं ना, तो आपने नहीं पढ़ने का चुनाव किया है, तो आप तो ऐसे ही उन लाखों बच्चों से पीछे छूट गया जिन्होंने पढ़ने का चुनाव किया है। ये मत कीजिए, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। आप बोलेंगे कैसे शुरू करें, है ना, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बाहर जाएं पढ़ने क्या करें, तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा आपके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जल्दी शुरू करने के 2-3 तरीके हैं। पहला देखिए कि आपके लोकल में कोई अच्छी कोचिंग है क्या, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए कि अगर ये अच्छा विकल्प नहीं है, आपके लिए साबित नहीं हो रहा, दूसरा ये देखिए कि आपके सीनियर्स कुछ हैं क्या जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 12th में है या फिर ग्रेजुएशन में है, जिनसे हेल्प लेके आप मैथ्स बनाना शुरू कर सकते हैं, केमिस्ट्री बनाना शुरू कर सकते हैं, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। वो ऐसे बच्चे जो डाल्टनगंज से या फिर झारखंड से, पलामू के आसपास के एरिया से हैं, हम 11th का जो बैच है शुरू कर रहे हैं 16th of April से। जल्दी से पढ़ाई शुरू करेंगे, जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे, 2-3 बार सिलेबस खत्म करेंगे। पिछले बार हमने नवंबर में सिलेबस खत्म कर दिया था, 2 महीने हमने रिवीजन किया था। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। वहीं बाहरी बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत बच्चों का तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया। उन बच्चों का जब मैं कॉन्फिडेंस देखता हूं तो वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत लो नजर आता है। खैर, ऑल्दो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहां पे आके, लेकिन पता है
जल्दी सिलेबस खत्म करने का और रिवीजन करने का, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तो एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। तो जल्दी शुरू कर दीजिए, हम 16 अप्रैल से बैचेस शुरू कर रहे हैं। और ये गलती मत कीजिए, बहुत ज्यादा आराम मत फरमाइए, जिंदगी में कुछ बन जाइए, कामयाब हो जाइए, उसके बाद पूरा जिंदगी आरामी फरमाना है। अभी वक्त है लड़ाई करने का, अभी आप योद्धा हो, अभी आप मैदान से मतलब अभी आप ना जी नहीं चुरा सकते, अभी आप मैदान से भाग नहीं सकते, अभी आप आराम नहीं कर सकते, अभी आपका एक ही काम है वही फाइट करना। आप जिस भी कॉम्पिटिशन में क्रैक, जिस भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना चाहते हो, उस कॉम्पिटिशन के लिए फाइट करना ही एकमात्र विकल्प है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।